हाय फ्रेंड्स, एवरेज ट्रिक्स जो हम पढ़ रहे हैं आज हम उसका आखिरी वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। 10 स्टूडेंट की एवरेज एज है 20 ईयर्स। इफ़ ए न्यू स्टूडेंट इज एडेड, अगर एक नया स्टूडेंट ऐड हुआ, न्यू एज भी बढ़ेगी, न्यू एज ऑफ ऑल इज इंक्रीज बाई वन, तो वन ईयर बढ़ती है। फाइंड द एज ऑफ न्यू वन, तो नए जो न्यू वन था फ्रेशन उसकी एज बतानी है। पहले आप देख लीजिए, 10 था, 10 स्टूडेंट, तो 10 की एज कितनी है, 10 की है 20। तो फिर एक स्टूडेंट ऐड हुआ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, एज भी 1 ऐड हुई तो 21। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि नए वन की एज कैसे निकलेगी। पहले इन दो में आपको फ़र्क देखनी है, 20 और 21 में फ़र्क 1 है। इस तरह 10 और 11 की फ़र्क डिफरेंस है वो भी 1 है। तो आप कैसे करोगे, इस 10 से इस 1 को मल्टीपल करना है, 10 वन ज़ा 10, और इस 21 को 1 से डिवाइड कर मल्टीपल करना है, 21 वन ज़ा 21, तो उसको ऐड करना है, वो निकले आंसर आएगा 31। सो द एज ऑफ द न्यू वन इज़ 31। इस तरह अगर आप डिक्रीज होगा तो फार्मूला तो सेम है, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20। अब एवरेज एज अब फिर से 20 हमने ली। इफ़ वन इज़ रिमूव, अब एक स्टूडेंट आपने रिमूव किया, हटाया, एज इज़ इंक्रीज डिक्रीज, इस वक्त एज कम हुई बाई 2 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द रिमूव वन, जो निकाला गया उसकी एज फाइंड करनी है। तो टोटल जो 10 स्टूडेंट्स थे पहले, तो उनकी एज थी 20 एवरेज एज, फिर एक को रिड्यूस किया तो अब रह गए 9 स्टूडेंट, एज भी 2 ईयर्स डिक्रीज हुई तो वो 18 रह गई। तो इसमें भी फ़र्क देखनी है, 20 और 18 में फ़र्क 1 है, 2, सको 2 है 18 और 20 में, और यहाँ 1 है। इस तरह 10 को हम 2 से, एक शॉर्ट ट्रिक है, 10 2 ज़ार 20, इसी तरह 18 को 1 से मल्टीपल करते हैं, 18 वन ज़ार 18, उनका ऐड निकल